अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पंजाब की एक ट्रेडिशनल रेसिपी लिख रहा हूँ और ये एक वेजिटेरियन रेसिपी है। तो ऐसे लोग जो गोश्त नहीं खाते उनके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। इसमें हर तरह के विटामिन हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं। हर तरह का मुफीद जो है मादनियात इसमें मौजूद है और डाइजेशन जिन्हें प्रॉब्लम हो उनके लिए भी बेस्ट है। जिन्हें यानी कब्ज़ रहती है वो ये इस तरीके से बना के खाएँगे तो उनकी एनल इन्फेक्शन जितनी भी है सारी दूर हो जाएंगी। और मैंने इस रेसिपी को बहुत बैलेंस किया है, मैं आपको इसमें बताऊँगा। वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बनाना इसे। मैंने एक पाव बैंगन लेके उसे अच्छे तरीके से धोकर उसका ऊपर वाला हिस्सा काट के इस तरह स्लाइस में काट लिया है मोटा मोटा। एक पाव मैंने अरबी लेके जिसे पंजाबी में अरबी भी कहते हैं इसे धो के इसके छील के छोटे छोटे स्लाइस काट लिए इस तरह। एक छोटी मैंने प्याज ली रफली मैंने काट लिए। 1 इंच मैंने लिया अदरक का पीस इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया। 3 मैंने लिए लहसुन के जवे इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया। 4 से 5 सब्ज मिर्चें लेनी है और मैं इसे हल्दी वे में बना रहा हूँ, मैं सब्ज मिर्चों में बना रहा हूँ। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो इसे स्किप करके इसकी जगह पे 1/2 टीस्पून आपने लाल मिर्च इस्तेमाल कर लेनी है। लेकिन दोस्तों आप इसी तरीके से बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ लाल मिर्चों का काम जो है कम इस्तेमाल करूँ, ट्रेडिशनल पंजाबी वे में बनाऊँ, क्योंकि पंजाबी ट्रेडिशनल वे में सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, लाल मिर्च बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। एक मैंने छोटे साइज़ का टमाटर लेके इसे छोटा छोटा मैंने प्यूर में काट लिए। दोस्तों ये है 1 टेबल स्पून पुदीना और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया। इसे मैंने धो के अच्छे तरीके से बारीक काट लिए। इसमें जो मसाले जाएंगे वो भी बहुत कम है, सिंपल से हैं। 1/2 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा, 1/4 मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिए और 3 टेबल स्पून मैं इसमें वेजिटेबल घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको वेजिटेबल घी पसंद नहीं तो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर लें, सरसों का तेल यूज़ कर लें, कैनोला यूज़ कर लें या सनफ्लावर वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अरबी बैंगन को बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बर्तन रख लिया है मीडियम हीट के ऊपर। 3 टेबल स्पून मैंने वेजिटेबल घी डाला है इसमें। सबसे पहले हम प्याज अदरक लहसुन डाल के 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। दोस्तों हमने इसे ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने इसका कच्चापन दूर करना है। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले सब्ज़ मिर्च और लाल टमाटर डालेंगे। एक से दो मिनट तक इसे हम लाइट गोल्डन ब्राउन करते हैं। नहीं जी दोस्तों प्याज अदरक लहसुन को 2 मिनट हो गए, अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हल्दी नमक और ज़ीरा सिंपल से मसाले स्टर करने से। अब इसके अंदर आप टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दें। अच्छे तरीके से हम इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ वेजिटेरियन या कोई भी गोश्त वाली सब्ज़ी जो भी लाऊं बहुत सिंपल तरीके से लाऊं, इसे बनाना भी आसान हो, गज़ाइयों से भी भरपूर हो, हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बनाइएगा जैसे मैंने बनाया। अब 5 मिनट के लिए मैं ऐसे करता हूँ अच्छे तरीके से। हम इसमें बैंगन और अरबी शामिल करेंगे। नहीं जी दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले भूनते हुए। अब हम इसके अंदर बैंगन और अरबी शामिल करेंगे।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के हम इसे हला हला के भूनेंगे। चलो जैसे ही 5 मिनट होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके मिक्स करके, फिर हम इसमें पानी डाल के ढक देंगे 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए। मीडियम लो के ऊपर हम दमदे पकाएंगे। नहीं जी दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 100 मिलीलीटर पानी डालेंगे, यानी हाफ ग्लास, और इसे 20 से 25 मिनट मीडियम लो के ऊपर पकने देंगे। लें जी दोस्तों, हमारे अरबी बैंगन को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैंने मीडियम लो के ऊपर रखे थे, चेक करते हैं इसे। दोस्तों चेक करते हैं अरबी गली की नहीं गली, इस तरह चेक कर लें, देखिए गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने जो 2 टेबलस्पून आपको धनिया पुदीना बताया था वो डाल लें। चलिए दोस्तों मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें इसके बताता हूँ अपने साथ में। लें जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार अरबी बैंगन तैयार है। तो मैंने इसे ट्रेडिशनल पंजाबी वे में बनाया है। मैंने लाल मिर्चों के सबाने किए, सब्ज मिर्चें डाली हैं, और आपने इसे आप इसे चावलों के ऊपर डाल के खा सकते हैं, पराठे के साथ, सूखी रोटी के साथ, मक्खन वाली रोटी के साथ, आपको ये बहुत मज़ा देगी। इवन तक नान के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों मैंने बैंगन जो इस्तेमाल किए हैं, मैंने इसका ऊपर छिड़का नहीं उतारा, तो सारी गज़ाइयाँ छिड़के में भी होती है, तो कई इलाकों में बैंगन का छिड़का उतार के इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसमें बैंगन का छिड़का भी उतार के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे डाले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल पर, तो इस चैनल पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ग्रॉसरी प्राइस भी मिलेगी, रिव्यू क्वालिटी और उनके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और जो भी मैं सब्ज़ी वगैरह सालन जो भी बनाऊंगा या इवन गोश्त की रेसिपी, मैं उसके आपको कुछ फ़ायदे भी बता दिया करूंगा, और वो एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड होंगे, कोई इधर उधर के बातें नहीं होंगी, टेस्ट भी मैं आपको देता रहूँगा। मेरा एक दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।